बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिशा व्लॉग्स एंड कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं गर्मियों का सबसे बेहतरीन और उम्दा फालसे का शरबत तैयार कर रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। फालसे का शरबत गर्मियों में पिएँ आप लोग, बहुत फ़ायदेमंद होता है माशाल्लाह से, और बहुत उम्दा बनता है। इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। ये मैंने आधा किलो फालसे ले लिए, इनको अच्छी तरीके से धो लिया है और इसके जितने हो सके बीजें निकाल लिए हैं। बाकी हम इसको ग्राइंडर में पीसेंगे तो इसकी बीजें पिस जाएंगी ग्राइंडर में। और यह हमने आधी प्याली चीनी ले ली है जिसमें हम शामिल करेंगे फालसे के शरबत में, और हाफ टी स्पून हमने काला नमक ले लिया, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और फिर हम इसमें इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के और इसके साथ बर्फ़ भी शामिल करके इस ग्राइंडर को हम दो तीन बार चलाएंगे अच्छे तरीके से। जी तो अब हम स्टार्ट करते हैं शरबत बनाना। ये जो फालसे हैं अब हम इनको ग्राइंडर में डाल लेते हैं। इसमें शुगर ऐड करेंगे और ये काला नमक इसमें ऐड करके और बर्फ के जूस इसमें डाल देंगे और इसको दो तीन बार चलाएंगे। जी तो देखें, हमने फालसे ग्राइंडर में डाल के और ग्राइंडर को दो तीन बार चला लिया है, इसलिए कि वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाए शरबत। और फिर जब ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल के छन्नी से छान लेंगे। देखिए अब हम इसको छन्नी से छान लेते हैं सारा, और ये जब पूरा छन जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे जूस तैयार करें। ये देखें, हमने सारे शरबत को छान लिया है छन्नी से, सारा गूदा निकल गया और ये प्योर शरबत हमारे पास तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार बना है, ठंडा ठंडा। इसमें और भी बर्फ़ आप डाल सकते हैं। फिर हम इसको निकालते हैं गिलास में और फिर आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो देखें, हमारा फालसे का शरबत तैयार हो गया। हमने ये गिलास में निकाल लिया इनको, माशाल्लाह से ये बहुत ठंडा और मज़ेदार शरबत बनता है फालसे का। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इतनी गर्मियां हैं इनमें तो ज़रूरी आप लोग इसको बना के पीजिएगा। फालसे का शरबत भी बना के पी सकते हैं, केले का मिल्क शेक भी और आम का मिल्क शेक भी बना के पिए। जितना हो सके ये ठंडे जूसेस वगैरह और शरबत ज़रूर बना के पीजिएगा माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा रहता है, गर्मी को भगाएं। और कैसा लगा आपको ये फालसे का शरबत? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, और जितने भी नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।